नमस्कार। इस ईयर का IBPS नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, आपको वो URL भी इसमें दिया हुआ है, नहीं होने से तो www.ibps.in में जाके देखने से भी मिल जाएगा। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर कितना है, 4,336, 4,336. So this is the number of vacancies declared. Now let us try to see थोड़ा थोड़ा ये IBPS PO examination का बारे में let us see. दोस्तों इस बार participating organizations आपको list में दिया हुआ है, अलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दीज आर दी नेशनलाइज्ड बैंक। इस बार तो IDBI बैंक का नहीं है, वो तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसका अलावा वो देना बैंक और दूसरा क्या विजया बैंक, वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। हम आपको डिटेल्स इसका बारे में दे रहे हैं, फिर भी आप IBPS का वेबसाइट में जाके देखने से तो आपको पूरा पॉइंट्स मिल जाएगा। यहाँ पर हम अभी देते हैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी क्या है, टेंटेटिव डेट क्या है। पहले क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, ये कब से कर सकते हैं, 7 August 2019 to 28 August 2019. इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस बार इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन कब कर सकते हैं, अगेन 7 August to 28 August। नेक्स्ट पॉइंट वो लोग दिए हैं, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है और माइनॉरिटी है, एक्स सर्विसमैन है और डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, उन लोग के लिए तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फ्री देते हैं IBPS में। उसको तो डाउनलोड कॉल लेटर्स कब होगा, सितंबर में होगा, और प्री एग्जाम ट्रेनिंग कब होगा, 23 September to 28 September 2019 में आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग देंगे। इसका बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स कब डाउनलोड होगा आपको, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। आप तो जानते हैं ये दो एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है और मेन एग्जाम है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए कॉल लेटर आपको डाउनलोड कर सकते हैं कब, October 2019। एक्टिविटी में नेक्स्ट पॉइंट दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको होगा 12 October, 13 October, 19 October and 20 October में आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। सब में एक दिन आपको सवेरे भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। वन एग्जाम यू विल बी राइटिंग प्रिलिमिनरी, उसका रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर प्रिलिमिनरी कब आएगा, अक्टूबर महीना में आएगा, नहीं होने से तो नवंबर में आ जाएगा। एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन के लिए कब कर सकते हैं, नवंबर 2019 में कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, तारीख दिया है मेन एग्जामिनेशन कब होगा, 30 November 2019 में होगा। ये सब तारीख वगैरह सब तो ठीक करके आपको दिया हुआ है वेबसाइट। आपको तो क्या मेन एग्जामिनेशन तो 30 November में हो जाने के बाद में डिक्लेरेशन और रिजल्ट फॉर द मेन एग्जाम कब होगा, December 2019 का अंदर में हो जाएगा। इसका बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू कब शुरू होगा, January 2020। एंड कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू
कब होगा? जनवरी फ़रवरी 2020 में होगा। इस बार 2019 में तो हम चेन्नई में था, तब बहुत कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसमें से बहुत कैंडिडेट सक्सेस हो गया। इसका क्रेडिट जाएगा आपको, गौतम बोल के एक लड़का है, उनको थ्रू से हुआ। वो तो आईबीपीएस में भी अभी सेलेक्ट हो गया। लाइक दैट आई विल बी ड्यूरिंग दिसंबर टू जनवरी आई विल बी इन चेन्नई एंड आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी इफ गॉड परमिट्स टू गिव यू प्री ऐसे फ्री मॉक टेलीफोन ट्रेनिंग। इसके बाद में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होगा? ये अप्रैल 2020 में हो जाएगा। एंड इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली दिया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द अथॉरिटीज ऑथराइज्ड आईबीपीएस वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। इसका मतलब यह है आप ibps.in में एक बार बार जाके देखना पड़ेगा आफ्टर राइटिंग एग्जाम एंड ऑल, लेकिन उसको तो उतना जरूरत नहीं होगा। क्यों? आपको तो बहुत सा साइट है, बैंकर्स अड्डा है, ग्रेट पॉइंट है और सो मेनी, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब में ब्लॉग्स वगैरह बहुत है। इसमें से आपको इंफॉर्मेशन तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन कैंडिडेट्स एक पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है, आपका सेल फोन नंबर को टिकटॉक आपका साथ ही रखना है और ईमेल आईडी भी रिमेम्बर करना है, और आप एप्लीकेशन लोडिंग करने का समय पर ठीक से करना है जी। इवन वन स्मॉल मिस्टेक होने से भी आपको फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ एक दिन इंस्टेड ऑफ 18 सितंबर 19 सितंबर दे दिया, इसी वजह से उन्होंने इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया। सो ऐसा तो नहीं होना है, आप ठीक से देख लीजिएगा पर्टिकुलर्स, एक बार का दो बार वेरीफाई करवा के तब तो एडिट करके देन प्रिंट आउट लेके आपका साथ रख लीजिए। अभी भी इस बार भी हम बहुत कैंडिडेट देख रहे हैं, क्या हम हमारा कॉपी नहीं रखा है, हम पेमेंट पर्टिकुलर्स हमारा पास नहीं रखा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा मत बोलना, प्लीज बी रेडी, कीप दीज थिंग्स रेडीली विथ यू, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें दिया है आप लोग कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पूरा यू मस्ट सेटिस्फाई योर ग्रेजुएट ऑन द डेट दे आर स्पेसिफाइंग 1st August 2019। सो इसका एक बार का पूरा पढ़ने का एंड यू मस्ट सेटिस्फाई यू आर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय द आईबीपीएस। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, नेशनलिटी इंडियन होना है, उसका बारे में भी कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ डिटेल्स दिया है, उसको वेबसाइट में जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद में एज तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एज ऑन 1st August 2019 उस तारीख में आपको मिनिमम एज 20 ईयर्स होना है और मैक्सिमम कितना होना है 30 साल, 30 ईयर्स। इसका पॉइंट्स भी दिया है, दैट इज अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2nd August 1989। 2nd August 1989 का आगे बर्थ हो गया तो एलिजिबल नहीं है, एंड नॉट लेटर देन 1st August 1999। 1st August 1999 का बाद में बर्थ हो गया भी आपको एलिजिबल नहीं है जनरल कैंडिडेट के लिए। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों एज का बारे में बात करने के समय पर हमने एक पॉइंट भूल गया, उधर थोड़ा रिलैक्सेशन चलता है। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह, देन डिसेबल्ड कैंडिडेट, इन लोग का तो कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, उसका बारे में भी थोड़ा कंडीशन चलता है, वो सबको आप ठीक से देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर में आता है वो तो तैयार होगा, उनको भी पता ही होगा। अभी तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें दिया है ए डिग्री ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो दिया है आप तो ग्रेजुएट होना है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट, आपका पास वैलिड मार्कशीट होना है, डिग्री सर्टिफिकेट भी होना है, एंड दैट इज अ ग्रेजुएट
on the day he registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation. आप तो graduation में कितना mark percentage mark लिया वो देना पड़ता है online में. इसके लिए condition ये दिया है सब सब subject को mark total करवा के उसको percentage लेना पड़ता है. Not like a group का, अभी third group का separate, first group का separate ऐसा नहीं है. अंग्रेजी और local language और दूसरा subject वगैरह जितना भी आपने पढ़े हैं ये सबको इतना तीन साल चार साल सबको एक बार आप total करवा के उसमें से average देना पड़ता है percentage. लेकिन इसमें तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है because it's only graduation is the minimum condition prescribed for applying for the post of probationary officers. Dosto, regarding reservation for persons with benchmark disabilities under section 34, uska bare mein thoda conditions diya hua hai, namely blindness and low vision, deaf and hard of hearing, locomotor disability, cerebral palsy, leprosy, cure dwarfism, then autism, ये वगैरह दिया है. एक नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लीजिएगा दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, उसका बारे में एक पैराग्राफ दिया है. प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में भी अरेंज्ड इन सर्टेन स्पेसिफाइड प्लेसेस लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से एक आप सेलेक्ट करके देना है और उधर आपको फ्री प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगा. किसको? शेड्यूल्ड का, शेड्यूल्ड ट्राइब, then other reserved category, people with disabilities, minorities वगैरह जो जो if you are eligible please go through that notification, satisfy yourself. आपको free training मिलेगा, उसको जरूर attend कर लीजिएगा, it will be really useful for you. क्यों pre-examination training आप attend करना जरूरी क्यों बोला? तो हम तो बहुत examinations conduct किया है, उसमें तो CTA भी था और invigilator भी था. उस समय पर कभी कभी एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो पेपर को रख के सार ये कि इसके लिए क्या करना है, हम ऐसा में भी पूछ रहे हैं. बिल्कुल उन लोग का जानने नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. वो खाली अप्लाई करता है उसका बाद में भूल जाते हैं. देन व्हेन दे गो फॉर एग्जामिनेशन ओनली दे सी एंड ब्लिंक एट द पेपर. ऐसा नहीं होना है. जो पहले बार ये एग्जाम लिखते हैं उन लोग के लिए तो पूरा पर्टिकुलर्स नहीं पता होगा, इसीलिए आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है. और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये कैसे चलता है? पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसका बाद में मेन एग्जाम होता है. ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको अंग्रेजी होगा, 30 क्वेश्चंस देगा, 30 मार्क मिलेगा और आपको समय भी देगा, खाली 20 मिनट देगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके लिए तो आपको 35 क्वेश्चंस देंगे, 35 मार्क मिलेगा और क्वेश्चंस तो आपको अंग्रेजी में भी होगा और हिंदी में भी होगा. आपको 20 मिनट समय मिलेगा. और नंबर थर्ड रीजनिंग एबिलिटी बोल के एक पेपर होगा, उसमें 35 क्वेश्चंस देगा, 35 मिनट्स में 35 मार्क्स मिलेगा आपको. पेपर तो आपको अंग्रेजी में होगा और हिंदी में भी होगा और 20 मिनट देगा. टोटल मार्क्स कितना है? टोटल क्वेश्चंस 100 है, 100 मार्क्स मिलेगा आपको. इसके बाद अनदर पॉइंट इज पीपल विद डिसेबिलिटी, उन लोग के लिए तो थोड़ा 20 मिनट्स एक्स्ट्रा समय मिल जाता है. जो स्क्राइब का साथ में जाते हैं उनके लिए तो एक्स्ट्रा समय मिलता है. कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स. अब तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लेके पास करना है. Adequate number of categories, each category decided by the IBPS will be shortlisted. Jitna candidates chahiye depending on number of vacancies, uska bare mein main exam ke liye to candidates bulayenge. So isliye aap log chesta karna hai to score maximum marks. Ye to bahut zaruri hai preliminary exam. Hum to pehle hi bola aapko apply karne ke samay par particular sab theek se de dijiyega. और क्या करना है उसको प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट आउट लीजिएगा और पेमेंट पर्टिकुलर्स भी रखिएगा. आपको जो जो सर्टिफिकेट सब मांग रहे हैं वो सब रेडी करके रख लीजिएगा. देयर इज आधार कार्ड, पैन नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, वो तो टी और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सब रेडी रख लीजिएगा.
insurable interest, a condition in which the person applying for insurance and the person who is to receive the policy benefit will suffer an emotional or financial loss if any if untouched event occurs. Without insurable insurance interest, without an insurable interest, an insurance contract is invalid. So this point is very important, because a husband can take the life insurance on his wife's life, similarly on his children. A person who is not at all related and who has got no interest, that is, he will not be affected by the death of the person concerned, and in that case the policy will not be issued. Without insurable interest, insurance contract is invalid. दोस्तों, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखा है उसमें सक्सेस हो गया, वो सेलेक्ट हो गया मेन एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए तो मेन एग्जाम होगा. उसमें क्या आपको साइट में तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, टाइम अलॉटेड क्या है फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम्ड. पहले ए पॉइंट भी बोलने का भूल गया हमने. अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी आपको कट ऑफ होगा, दैट इज इंग्लिश के लिए तो आपको 20 मिनट देगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट सेपरेटली देगा, उससे 20 मिनट्स में कट हो जाएगा. सो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपको मेन एग्जामिनेशन में मिलेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. कितना देंगे, 45 क्वेश्चंस देगा, 60 मिनट्स में आप आंसर करेंगे, सॉरी 60 मार्क्स मिलेगा. और आपको पेपर तो आपको अंग्रेजी में होगा और हिंदी में होगा, आपको 60 मिनट समय मिलेगा जी. उसका बाद में जनरल और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस बोल के एक पेपर होता है, उसमें तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा और 40 मार्क मिलेगा. पेपर तो आपका अंग्रेजी में होगा और हिंदी में भी होगा आपका, लेकिन आपको 35 मिनट मिलेगा, ओनली 35 मिनट मिलेगा. जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में तो आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स को, दैट इज आपको एग्जामिनेशन नवंबर में होता है, तब तो आप शुरू कर लीजिए जून से, और मई से शुरू कर दीजिए करके आपका पास रेडी होना है करंट अफेयर्स. उसका बाद में जनरली इकोनॉमी के बेस में क्वेश्चंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स मिलेगा, और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस. बैंकिंग अवेयरनेस में भी आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होगा और चेंजिंग बैंकिंग अवेयरनेस होगा. ऐसे में भी जनरल अवेयरनेस में भी आपको स्टैटिक अवेयरनेस मिलता है. स्टैटिक अवेयरनेस का मतलब ये है आपको नेम्स ऑफ कंट्री, कैपिटल, करेंसी वगैरह, रिवर, लार्जेस्ट रिवर, स्मॉलेस्ट रिवर, देन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है, लाइक दैट, एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है, ये सब तो मिलेगा. इसका बारे में तो हम तो एक मिनी जनरल नॉलेज बोल के एक बुक रखा लिखा है, उसको भी हम ऑनलाइन में देते हैं आपको व्हाट्सएप में, उसको लेके आप यूज कर सकते हैं. नहीं होने से तो आप यू कैन राइट टू माई ईमेल आईडी ऑल्सो. देन आपको अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या, फर्स्ट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन 35-40 मार्क्स मिलेगा, और कितना समय मिलता है, 40 मिनट्स मिलता है. ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका खाली इंग्लिश में ही होगा, ये तो देखना पड़ेगा. इसका बाद में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. देखिए देखिए अभी क्या हो गया, प्रिलिमिनरी में तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला है, लेकिन अभी मेन में जब आप जा रहे हैं तब एग्जामिनेशन का नाम बदल गया, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. मतलब यू गेट ओनली डाटा एनालिसिस क्वेश्चंस लाइक से टेबल्स, देन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स. और रीसेंट एसबीआई एग्जामिनेशन में आपको नया रकम क्वेश्चन भी आया था क्या, वो तो फनल बोल के. सो ये सबको आपको रेडी होना है. इसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेगा, 60 मिनट्स देगा, पेपर तो आपका अंग्रेजी में होगा और हिंदी में होगा, आपको 35 क्वेश्चंस देगा, 60 मार्क्स मिलेगा आपको, और 45 मिनट्स में आप आंसर करना पड़ेगा. ये सब में मिला के दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, टाइम कितना है 3 आवर्स.
डिसेबिलिटी कैंडिडेट विथ स्क्राइब्स उन लोग के लिए तो एक्स्ट्रा समय मिलेगा, 1 घंटा के लिए 20 मिनट ज्यादा देते हैं। दोस्तों क्या है, ये मेन एग्जामिनेशन अब जो लिख दिया उसका बारे में आपको खाली ए नहीं है, इसके अलावा यू हैव टू राइट वन मोर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वो क्या होगा, लेटर राइटिंग होगा और एसे भी होगा, 2 क्वेश्चंस देंगे एंड सो 25 मार्क्स होगा एंड 30 मिनट्स में लिखना पड़ेगा। वो तो अंग्रेजी में आप लिखना पड़ेगा, दैट इज यू हैव टू टाइप ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ। सो दिस इज दीज आर द डिटेल्स अबाउट द मेन एग्जामिनेशन। इसमें आप तो बहुत अच्छा लिख दिया, आप सक्सेस हो गया तो आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। जब आपको इंटरव्यू में बुला दिया, ओनली मार्क्स स्कोर्ड इन मेन एग्जाम तो कंसिडर करेंगे, प्रीलिम में जितना मार्क लिया वो तो फायदा नहीं है, मेन एग्जामिनेशन में कितना मार्क लिया वो तो कंसिडर करेंगे। उसको क्या करेंगे, आप तो 200 मार्क के लिए आया है ना, उसको 80 में कन्वर्ट कर देगा। 200 को 100 मार्क होने से 80 में कितना मार्क है, 80 बाई 200 इंटू 100, 80 बाई सॉरी आपको कितना मार्क मिला, सपोजिंग यू स्कोर्ड 200 के लिए 80 मार्क्स ले लिया फॉर 200, देन 80 के लिए कितना, 80 बाई 200 इंटू 80, ऐसा करके आपको मार्क अराइव कर देगा। दैट मार्क ओनली विल बी टेकन इंटू अकाउंट, सॉरी आपको तो अंग्रेज डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐड करना पड़ता है, 225, वो 225 को आपको 80 से कन्वर्ट कर देगा। बाद में इंटरव्यू आपको रखेगा टोटल मार्क्स 100, उसमें से दैट मार्क्स आल्सो विल बी एडेड। दोस्तों यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स अप्लीकेबल बोथ फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। मतलब ये है प्रीलिम एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन में भी आपको पेनल्टी होगा। पेनल्टी क्या है, आप एक गलती आंसर एक क्वेश्चन को दे दिया तो उस क्वेश्चन के लिए कितना मार्क मिलेगा, उसमें से 1/4 मार्क आपको कम हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क मिलेगा, आप गलती आंसर दे दिया तो आपको 0.25 मार्क कम करेंगे। लेकिन कई क्वेश्चन को आपको कितना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई क्वेश्चन में आपको 1.6 मार्क मिलता मान लीजिए, तब आप गलती आंसर दे दिया तो आपको मार्क कितना कम होगा, 0.40 कम हो जाएगा। इसीलिए आप जो क्वेश्चन को आप आंसर क्लियरली जानते हैं उस क्वेश्चन को आप आंसर कर लीजिएगा, गेसिंग करके मत आंसर कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों वेबसाइट में दिया हुआ है, द करेक्टेड स्कोर्स अटेंड बाय ईच द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट सेशंस विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड, स्कोर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट शैल बी टेकन इनटू कैल्क टेकन इन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। सो इतना फर्क पड़ता है, पॉइंट पॉइंट जीरो में भी डिफरेंस में। एग्जाम्पल एक कैंडिडेट अभी भी है मदुरई में ही, उनको आरआरबी में वेटिंग लिस्ट में है, उसको कितना मार्क कम है, 0.25 मार्क कम है, वो तो जरूर मिल जाएगा। बट इसलिए आप आंसर देने के समय पर गेसिंग करके आंसर मत करो जी। मनी बैक पॉलिसी, अनलाइक एंडोमेंट प्लान्स इन मनी बैक पॉलिसीज पॉलिसी होल्डर गेट्स पीरियोडिक सर्वाइवेंस बेनिफिट्स पेमेंट, दैट इज इट इज लाइक दिस, यू नो दैट यू टेक अ पॉलिसी फॉर 20 ईयर्स, अंडर मनी बैक पॉलिसी यू विल से आफ्टर 5 ईयर्स यू विल रिसीव सम अमाउंट, देन आफ्टर अनदर 5 ईयर्स 10, दैट इज 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट यू विल रिसीव सम अमाउंट, सो दैट इज नोन एज मनी बैक पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज कट ऑफ स्कोर, सब एग्जाम्स के लिए कट ऑफ मार्क रखेगा, वो कट ऑफ मार्क का ऊपर में कितना दिया वो मार्क को लेगा, वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद में मेन में भी आपको एग्जामिनेशन में कट ऑफ रखेंगे। कट ऑफ रख के उसका ऊपर में जितना मार्क लिया उसको टोटल करवा के 225 में उसको 80 से कन्वर्ट करवा के देन आपको इंटरव्यू मार्क भी लेते हैं। ये तो इसमें और एक बार बोल्डली दिया हुआ है, कहां पर आपको आईबीपीएस वेबसाइट में
marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisting for interview and also for final merit listing. मतलब क्या है, आपको preliminary examination में जितना भी higher mark लेने से भी इसमें add नहीं होगा, आपको main exam में जितना mark लेते हैं उसको add होगा for intake for interview and interview mark में भी add करके finalization करने का समय पे only main exam को mark लेंगे. Thank you. Next point, total marks allotted for interview are 100. हम तो पहले ही बोला आपको, उसको minimum pass mark आपको 40 रखेगा, schedule cast होने से तो 35 रखेगा. And the weightage ratio कैसे होगा, main line exam के लिए तो 80 और interview के लिए 20 करके mark को convert करके एक list लेगा, उसमें से जो top में है उनके लिए तो final selection हो जाएगा. इंटरव्यू तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका बारे में हम तो बहुत ब्लॉग्स डाल दिए आपको, www.sbank.in. इसका अलावा आई हैव हैड सो मेनी वीडियोस आल्सो एंड सो काइंडली. मेनली क्या होता है, बच्चा लोग दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग बिफोर द इंटरव्यू पैनल, सो इसीलिए आपको अंग्रेजी में और नहीं होने से हिंदी में आपका लोकल लैंग्वेज में बात करने का कॉन्फिडेंस रख लीजिएगा, शुरू इंप्रूव कर दीजिएगा एंड सो दैट यू कैन आंसर एंड स्कोर गुड मार्क्स. दोस्तों यहाँ दिया है मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एटसेट्रा, देन प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 28 अगस्त 2019 हैज टू बी सबमिटेड. दैट इज इफ यू आर अ कैंडिडेट हु हैज पास द एग्जामिनेशन इन 2018 नो प्रॉब्लम. अभी 2019 में जो पास हो रहे हैं उनको रिजल्ट 28 अगस्त का पहले होना है. Similarly, there are some more conditions they are given regarding caste certificate also, income and asset certificate also. ये सबको आप पढ़ लीजिएगा. See, make yourself comfortable with this. Candidates, very important point they have given is no document shall be directly sent to IBPS or nodal banks by candidates before or after the interview. So ये तो point very important है. That is डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी कॉपी भी अब आईबीपीएस को कभी भी मत भेजना बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम बिफोर इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू कभी मत भेजना. बाई चांस आप ओरिजिनल को आप भेजने से तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है. सो डोंट डू दैट. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेट से इज ऑल्सो टू बी फॉलोड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, उसका बारे में भी यू सेटिस्फाई योरसेल्फ. आप जो सर्टिफिकेट लेते हैं वो तो वैलिडिटी है और ना, और ये आईबीपीएस एडवर्टाइजमेंट में मेन एडवर्टाइजमेंट का बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रहे हैं, उसका बाद में बहुत सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दे रहे हैं, उस फॉर्मेट का अंदर में होना है. रिसेंटली लेने से अच्छा है, कम से कम से 6 मंथ 7 मंथ होने से अच्छा होता है. तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंटीमेशन विल बी सेंड बाय ईमेल एंड एसएमएस टू द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड. जो एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर करने के समय पर ठीक से आप मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देके और एसएमएस आपको मिलेगा और ईमेल भी मिलेगा, ईमेल आईडी भी मिलेगा. सो एवरीथिंग इज डन थ्रू दैट थ्रू द ईमेल एंड एसएमएस ओनली. उसको ठीक से आपका पास ही रखना है, डू नॉट सरेंडर द नंबर. सो दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, यू मस्ट कीप इन टच विद आईबीपीएस वेबसाइट ibps.in. उसको रेगुलरली चेकअप करने से हो जाएगा, नहीं होने से आपको हमारा मपी व्हाट्सएप ग्रुप्स और नहीं होने से तो ऑर्गेनाइज बैंकर्स अड्डा
Jagran Josh, so many organizations are there. IBP is not in. So many organizations are there. Jiska maybe aapko kabhi kabhi mil jate hain. So remember to retain the phone number and email ID carefully. Okay. दोस्तों इंटरव्यू का बाद में प्रोफेशनल अलॉटमेंट करेंगे, मतलब आपको जो मेन एग्जामिनेशन में कितना मार्क लिया उसको 80 से कन्वर्ट करवा के, इंटरव्यू में कितना मार्क लिया उसको 20 से कन्वर्ट करवा के, तब तो टोटल करके बाद में एक लिस्ट लेके उसमें से अलॉट करेंगे. अलॉट प्रोफेशनल अलॉटमेंट टू डिफरेंट बैंक करेगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन डिफरेंट बैंक. इसमें तो आपको प्रेफरेंस भी देना पड़ता है, उसको देख लीजिएगा. सो दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड. दोस्तों बेस्ट ऑफ लक टू यू. आई हैव गिवन माय ईमेल आईडी एंड आल्सो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप. अभी तो अबाउट 70 वैकेंसीज आर देयर. And supposing it is filled in, I will start a new one. So far, I have got about 7 WhatsApp groups. So, jisme I will be sharing information that I get from other people. Pura jo kuch hum de rahe hain, to hamara nahi hai. Jo humko milta hai, wo information ko sabka saath mein dalte, info dete hain. So, I get satisfaction in that. I wish all of you best of luck. I wish you must get into a bank of your choice and make your career a successful one. I wish the blessings of God be on you. So, in fact, as Sai Baba says, Saburi Shraddha Shrishta Onai. I'm sure you will have that and succeed. Best of luck.